ওরা তো চিরকালই বাংলাকে বঞ্চিত করে, বাঙালিকে বঞ্চিত করে। এবারের বাজেট হচ্ছে কুর্সি বাঁচাও বাজেট, যে কোনো উপায়ে নিজেদের কুর্সি বাঁচাও। আর দুটো যে ক্র্যাচ রয়েছে সেই ক্র্যাচটাকে শক্ত করার জন্য বিহার আর অন্ধ্রপ্রদেশকে, সাধারণ মানুষের জন্য কিচ্ছু হয়নি। সকালেই বলেছিলাম কিছু হয়নি, কিছু করতেই পারেনি, কোনো বাজেটই নয়। গতবারে উড়িষ্যার জন্য কিছু টাকা দিয়েছিল, অ্যালটমেন্ট করেছিল, স্পেশাল স্যাংশন করেছিল, যেহেতু এবার উড়িষ্যায় সরকার হয়ে গেছে আর কিছুই করেনি। এ কুর্সি বাঁচা বাজেট হয়েছে বাংলা বিরোধী ভাই। বাংলার তো কোনো উন্নয়নই নেই, বাংলার নামই নেই, বাংলার কোনো উন্নয়নই নেই। এই বাজেট পেশের পরেই প্রশ্ন উঠেছিল বাংলা কি পেল, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে বাংলা বঞ্চিতই রয়ে গেল। আর এই বাজেট পেশের পর থেকেই বিরোধীরা কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধী তিনি পোস্ট করে কটাক্ষ করেছেন, তিনি বলছেন যে অন্য রাজ্যকে বঞ্চনা করে শরিক তোষণের ফাঁপা প্রতিশ্রুতি, কুর্সি বাঁচাও বাজেট বলে কটাক্ষ করেছেন রাহুল গান্ধী, সাধারণ মানুষের সুরাহানি, কংগ্রেসের ইস্তেহার ও আগের বাজেটের পুনরাবৃত্তি। বিরোধীরা কিন্তু একযোগে এই বাজেটের সমালোচনা করছে এবং এই বাজেটকে নিশানা করছে। অখিলেশ যাদব, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি কি বলছেন দেখো। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था के मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? অর্থাৎ অখিলেশ যাদব তিনি যেমন বলছেন যে সরকার বাঁচাতে এই বাজেট, একই সঙ্গে তিনি কৃষক বিরোধী বলছেন এই বাজেটকে। একই সঙ্গে শুনে নেব সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কি প্রতিক্রিয়া, কি বলছেন সীতারাম ইয়েচুরি এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। इस हालत में जो चाहिए था वो ये था कि खर्चा जो है, सरकारी खर्चा, वो बढ़े। बढ़ने की जगह सरकारी खर्चा जीडीपी के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो वो रेशियो जो एक्सपेंडिचर अपॉन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो घटा है। अब आपकी आमदनी बढ़ी है 14.5%, और आपका खर्चा जो आप बढ़ा रहे हो वो है 5.9%। तो आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और खर्चा इतना कम है उसके मुकाबले में, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब है समस्याएं जनता की और बढ़ेगी। रोज़गार बढ़ाने के लिए जो योजना ये बनाए कि इंसेंटिव देंगे आप एम्प्लॉयर को, यानी 4 साल का आपका प्रोविडेंट फंड जो देना होगा वो एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। अब इससे थोड़ी नौकरियां बढ़ेगी, एम्प्लॉयर को आप सब्सिडाइज कर रहे हो, यानी उसके मुनाफे बढ़ेंगे। अरे नौकरियां बढ़ाना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा ना, और वो तभी संभव है जब सरकारी निवेश बढ़ेगा। अब सरकारी खुद अगर खर्चा घटा रही है तो इसके अंदर वो इकोनॉमी एक्सपेंड कैसे होगी।